हे गाइस, विवान है आपके साथ और मेरे साथ फोन लाइन पे है एक सुपर मॉडल, एक यूट्यूबर, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, अ गाय विद द परफेक्ट बियर्ड, मिस्टर जुबिन शाह। थैंक यू सो मच बड़े, इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। वैसे मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ? अरे यार, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मुझे बताओ, जुबिन कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे जीता है? मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं फैशन ब्लॉगर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। और कैसे जीता हूँ, बस जी लेता हूँ यार, और क्या करूँ, जीने को क्या है। ओके, तो सबसे पहले यार मेरे को ये बताओ कि आपकी इतनी परफेक्ट बियर्ड कैसे है यार, मतलब हम जलते हैं आपसे। जेनेटिक ही तो कोई बात नहीं होनी चाहिए भाई, ये तो जेनेटिक है। बाकी मेंटेनेंस तो रखना ही पड़ता है, वो बियर्ड ऑयल वगैरह ये सब यूज करके। ओके, सो जुबिन ने कब डिसाइड किया था कि उसको मॉडल बनना है? एक्चुअली मॉडलिंग का मैंने कुछ भी कभी डिसाइड नहीं किया था, बस मेरा बचपन से एक सपना था कि जब मैं सड़कों पे चलता था तो मैं सोचता था कि एक टाइम आएगा जब हर कोई देखेंगे मुझे, हर कोई आके बात करेंगे या सेल्फीज देंगे मेरे साथ। तो बस वो एक सपना था जो किसी ना किसी वे में ऊपर वाले ने पूरा कर दिया, तो कहीं ना कहीं मॉडलिंग ही उसका जरिया बन गया। क्या बात है यार, मतलब आप इतने लकी हो कि आपने जो सपना देखा था वो इतने जल्दी पूरा हो गया आपका। हाँ, वो एक्चुअली मॉडलिंग स्टार्ट करना एक एक्सीडेंटल था मेरे लिए, क्योंकि हमारी फोटोज है ना, मेरी और मेरा एक फ्रेंड है, हमारी दोनों के साथ में फोटोज वायरल हो गई, तो उसके बाद ही लोगों ने फेक अकाउंट बनाने स्टार्ट कर दिए हमारे नाम से, तो लोग हमें ढूंढने लग गए। तो ये एक एक्सीडेंटल था कि हम लोग फेमस हो गए अचानक से। यार ऐसा एक्सीडेंट मेरे साथ भी हो जाए, गॉड। हो जाएगा, अगर आपकी पिक वो टाइम पे यूनिक होती जब सोशल साइट पे और कोई थे नहीं इतने मचाने वाले, तो वो टाइम हमारा था। क्या बात है यार, क्या बात है। सो मेरे को ये बताओ, आपका इंस्पिरेशन कोई है ऐसा? इंस्पिरेशन तो मेरे लिए मेरी मॉम है, और कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज मैं जो हूँ वो नहीं होता। ओहो, दैट्स रियली स्वीट। सो यार मेरे को बताओ, जुबिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया? स्ट्रगल तो ऐसा था कि मैंने जॉब वगैरह बहुत कुछ किया, सेल्स मार्केटिंग में भी था मैं, हॉलीडे पैकेजेस वगैरह बेचता था मैं, क्या बताऊँ, बहुत सी बातें, वेटर वगैरह, बहुत कुछ करके बैठा हूँ मैं। जब इस लाइन में आया तो ऑडिशन दिए, और ऑडिशन दे के कुछ फायदा नहीं निकला मेरा उसमें, तो ये इंटरनेट को मैंने एक अपना जरिया बना लिया। ओके, सो जर्नी कैसी थी वो, मतलब एक नॉर्मल इंसान जुबिन से अभी इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जुबिन, हाउ वाज इट? जर्नी तो देखो, मैं यही चीज मानता हूँ भाई कि जितनी ज्यादा बुरी जर्नी होती है उतना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं आगे चल के। क्या बात है यार, मतलब आपको पहले टफ टाइम मिला तो आप अभी जाके इतने स्ट्रांग बने हो। ऑब्वियसली आगे भी मैं चाहता हूँ कि और मुश्किलें आए, मुश्किलों के बिना तो लाइफ चलती नहीं। क्या फिलोसोफर हो यार आप, मस्त वाले, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि सुनते रहो। और मुझे भी आपकी बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, क्या फ्लुएंसी आपकी। अरे यार बस क्या, अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी तो फ्लुएंसी आनी चाहिए ना। अरे यार कोई बात नहीं। ओके, सो आप अभी इतने बड़े मॉडल बन गए हो, तो बिगिनर्स को क्या टिप दोगे मॉडलिंग के बारे में? एक ही टिप दे सकता हूँ कि हर तरीके से आप अपने आप को परफेक्ट रखने की कोशिश करो, दूसरों से इंस्पायर जरूर हो, लेकिन करो कुछ अपना, करो कुछ अलग, तभी आपका नाम लेंगे लोग। जैसे कि मेरी बियर्ड स्टाइलिंग वगैरह ये सब कुछ मैंने खुद से डिजाइन किया था। एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मैं स्केच वगैरह अच्छा करता हूँ, मैं टैटूज वगैरह अच्छा बनाता हूँ, इमेजिनेशन पावर अच्छी है इस हिसाब से मेरी, तो मैंने अपनी बियर्ड स्टाइल सब कुछ मैंने खुद ही एक डिजाइन किया था, वैसी हेयर स्टाइल मैंने फिर रखना स्टार्ट किया, फिर ये बियर्ड मैंने अपने हाथ से बनाई थी। तो इस तरीके से जो कोई कुछ नया लेके आएगा वो ऑब्वियसली फेमस होगा ही, वो हिट होगा ही। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप में यूनिकनेस है तो आप हिट हो जाओगे, ऑब्वियसली यही बात है। ओके, सो अभी यार मेरे में तो यूनिकनेस नहीं है, तो मेरे को आप बताओ कि आप मेरी बियर्ड कब मेरे को डिजाइन करके दे रहे हो? आपके देखिए, पहले मैंने खुद ने अपने लिए बहुत सारी डिजाइन अभी रखी हुई है, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि उसको उस तरह से अभी ग्रूमिंग करवाऊं, तो उसमें से आपको जो भी पसंद आएगी मैं आपको दिखा दूंगा, आप करवा लेना वही। डन 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 है भाई। ओके, सो सेकेंडरी और एक क्वेश्चन था कि आपके यार इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हो गए, तो आपने क्या ऐसा स्पेशल करा था? एक्चुअली देखो, फॉलोवर्स इतने ज्यादा बढ़े मेरे इसलिए हैं क्योंकि जब मेरे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन गए, फिर बैन पेजेस भी बन गए, लोगों को पता ही नहीं था ये बंदा आगे है कौन, कहाँ रहता है, कहाँ से आया, आधे लोगों को तो अभी भी लगता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं एक्चुअली हिंदू हूँ, लोगों को मेरे नाम में भी कंफ्यूजन होता है, आधे लोगों को लगता है मैं कहीं अरब कंट्रीज से हूँ, तो इंडिया का हूँ, मुंबई का हूँ मैं, ये भी किसी को ज्यादा लोगों को पता नहीं था। फेमस होने का यही सीन था कि हर किसी ने मुझे ढूंढना स्टार्ट कर दिया, गूगल सर्च स्टार्ट कर दिया मेरे बारे में।
यूनिकनेस तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, तभी तो इंसान आपके बारे में जानना चाहेगा, तभी तो आपके फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। क्या बात है यार, क्या बात है। मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अभी, वो दो सेट ऑफ क्वेश्चंस है। मतलब एक क्वेश्चंस है लड़कों के सेट जो लड़कों ने पूछे, और अच्छा। एक है लड़कियों के सेट। ओके तो सबसे पहले मैं लड़कों का सेट पूछूंगा आपको। तो जुबीन, आपकी स्किन और बाल इतने अच्छे, तो क्या क्या करते हो आप उनको मेंटेन करने के लिए? एक्चुअली देखो, मैं फिटनेस फ्रीक हूँ थोड़ा, और कोई भी रखी पड़ी हुई चीजों को रंग लग जाता है अगर उसको आप यूज ना करो तो इंसान की बॉडी भी इसी तरह से काम करती है। अगर आप यूज ना करो, अगर आप डेली वर्कआउट ना करो, तो वो सारी जगह आपकी डैमेज होने लग जाती है। सेम विद द फेस, वर्कआउट नहीं करते हो तो बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती है, आप पानी कम पीते हो, स्वेट नहीं निकलता है, तो ऑब्वियसली आपको ये ग्लो नहीं होगा कभी से। फ्रूट्स वगैरह भी आपको ज्यादा खाने होंगे और पानी बहुत पीना होगा, तो ये सारी चीजें जो नेचुरली आपको ग्लो देगी। हेयर तो वीक में 2-3 बार ऑयलिंग करो, आपके हेयर बहुत अच्छे हो ही जाएंगे, और जेनेटिक भी ये थोड़ा इफेक्ट करता है, लेकिन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ओके, सो आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज करते हो, मतलब यही शैम्पू है और यही जेल है या यही फेस वॉश है, ऐसा कुछ है? जी हाँ, मेरे कुछ पर्टिकुलर ऐसे ब्रांड्स है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। जो हीलिंग फॉर मेन मेरी एक वेबसाइट है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो जो चीज मैं यूज करता हूँ। ओके, तो हीलियम इज दैट ब्रांड व्हिच यू यूज? या। ओके, सो अभी लड़कियों वाला सेट भाई। हाँ ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जुबीन सिंगल है या फिर एक्चुअली मैं रिलेशनशिप में था, पर अभी कुछ मंथ पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है, वो अभी पर्सनल रीजन से कुछ अब मैं सिंगल हूँ, एंड आई वुड प्रिफर टू बी सिंगल नाउ। बाकी आगे का आगे देख लेंगे, जहाँ मम्मी बोलेगी वहाँ शादी कर लेंगे।